हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी वाई थ्री की, जिसमें लगा हुआ है फारफिल लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते रहिए पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। और इसे वाईफाई से कनेक्ट करना है और इसमें एक सिम डाल लेना है। और ये हमने आज डिसाइड कर दिया। अब इसमें या तो FRP लॉक मांगेगा या पासवर्ड मांगेगा, दोनों में से एक चीज़ जरूर मांगेगा। इसमें भी देख सकते हैं, मैं डोंट कॉपी कर लेता हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पासवर्ड मांग रहा है, इसमें गूगल आईडी मांगता। वही आईडी डालेंगे तो फ़ोन हमारा खुलेगा वरना फ़ोन नहीं खुलेगा। इस पासवर्ड मांग रहा है तो वही पासवर्ड डालेंगे तो खुलेगा वरना फ़ोन नहीं खुलेगा। तो इस प्रॉब्लम में अगर फ़ोन है तो कैसे सही करते हैं, तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ एड नेटवर्क पर वाईफाई से। तो यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ कुछ लिखना है, आपको कुछ भी लिख लेना है दोस्तों। फिर यहाँ लिखने के बाद आपको इस पर दबाए रखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं, इधर एरो का निशान आ गया इधर वाला। इस पर आपको ओके करके मैसेज पे आपको सेलेक्ट करना है। मैसेज पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर नंबर यहाँ डालना है, आपको 234। और आप नीचे लिखना है, आपको वो काट के www.youtube.com लिखना है दोस्तों, आपको .com, और सेंड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा लिंक बन जाएगा। फिर आपको इस पर ओके करना है और ब्राउज़र पे ओके करना है। इससे हमारा यूट्यूब जो होता है वो चालू हो जाएगा। और देख सकते हैं हमारी यूट्यूब की जो वीडियो है वो यहाँ से चालू हो गई। देख सकते हैं वीडियो भी चल जाएगी। हमें वीडियो नहीं चलानी, बैक कर लेता हूँ मैं। फिर आपको जाना है इधर कोने में, देख सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको ट्रेवल पॉलिसी पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र, यहाँ से हमारा जो फ़ोन का नेट का ब्राउज़र होता है वो ओपन हो गया। फिर आपको नेक्स्ट, यहाँ से आपको एक साइट है जिसका नाम है bksmartphone.com। तो अब वो आपको लिखना है, bksmart में लिख लेता हूँ, phone.com लिखना है दोस्तों आपको, यही बिल्कुल गलत ना हो। तो यही लिखना है आपको, bksmartphone.com, और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके की साइट खुलेगी। फिर आपको जाना है गूगल अकाउंट बाईपास 2019.0। फिर यहाँ जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ फर्स्ट नंबर पे हो तो आपको जाना है पाँचवें नंबर पे। देख सकते हैं एंड्रॉयड एट गेम ऐप, यहाँ से जाने के बाद आपको इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। और इसके साथ एक एप्लीकेशन और है, मैं उसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है पहली वाली, वो भी डाउनलोड हो रही है। बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, दोनों एप्लीकेशन को हम दूसरे नंबर पे FRP बाईपास, दोनों एप्लीकेशनों को दोस्तों डाउनलोड करना है आपको। देख सकते हैं, तो पहली वाली एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो गई मैं से। अब दूसरी वाली भी हम दोनों एप्लीकेशनों को डाउनलोड करना है। देख सकते हैं FRP बाईपास एंड्रॉयड 8। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड 8 वाली गूगल अकाउंट जो है उसे आपका अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपका फ़ोन जब भी होगा देख सकते हैं। आपको इसे ओपन नहीं करना है आप। फिर आपको बैक आने के बाद FRP बाईपास वाली एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को यहीं पर ओपन कर लेना है, ओपन। और यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं इधर बिंदु जाने, इस पर आपको ब्राउज़र साइन इन करना है। और यहाँ दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है, आपकी दूसरी ईमेल आईडी कोई भी है ईमेल आईडी डाल लेनी है। अगर नहीं है तो आप बना लें पहले, वो आईडी डाल लें। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ दूसरी, और अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ और ओके कर देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी नहीं है तो आप किसी और की डाल सकते हैं आईडी पासवर्ड, तो और अपना फ़ोन जो है तुम्हारा बिल्कुल खुल जाएगा, पुराना अकाउंट डिलीट हो जाएगा और नया इसमें जो डालेंगे वो ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने डाल लिया। डालने के बाद इसमें पासवर्ड डाल लेता हूँ जो मेरा पासवर्ड है, और साइन अप कर देता हूँ। और साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोन यहीं एक बार रिस्टार्ट कर देना है, और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ रिस्टार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और हम देख लेते हैं हमारा फ़ोन जो है अभी खुला है नहीं खुला।
देखते हैं हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है, मैं स्किप कर लेता हूँ स्किप, और देखते हैं यहाँ आने वाला है अकाउंट एडिट। जो हमने अकाउंट डाला है वो अकाउंट हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, और पुराना अकाउंट जो हमारा देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट एडिट हमारा जो नया अकाउंट हमने डाला है इसमें वो ऐड हो चुका है, और पुराना वाला हमारा अकाउंट डिलीट हो चुका है, और हमारा फ़ोन अब बिल्कुल पूरी तरीके से ओके खुल जाएगा। और दोस्तों हमने जो इसमें एप्लीकेशन डाली है दोनों, वो एप्लीकेशन आपको काट देंगे दोस्तों, इस तरीके का आएगा, तो आपको बस कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू एग्री नहीं करना, आपको नो थैंक्स करना है, नो थैंक्स। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से अपने Y3 फ़ोन में अगर FRP लॉक लगा हुआ है तो आप इसी तरीके से अपने फ़ोन का FRP लॉक हटा सकते हैं। और देखते हैं हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल अभी स्टार्ट होने वाला है एक दो सेकंड में। और दोस्तों आपका फ़ोन अगर सही हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा फ़ोन सही हुआ या नहीं हुआ, तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं हमारा फोन अब बिल्कुल खुलने वाला है, और हाँ दोस्तों दोनों एप्लीकेशन जो इसमें डाली है आपको वो एप्लीकेशन फोन ऑन होते ही आपको इंस्टॉल कर देना है। इसके हमारा फोन जो है स्टार्ट हो चुका है, मैं दोनों एप्लीकेशन को काट लेता हूँ, तो FRP बाईपास एक सेटिंग में जाके गूगल अकाउंट मैनेजर जो हमने डाला था एप्स में चले जाता हूँ, गूगल अकाउंट मैनेजर, बस आपको इतना ही काम करना है और आपका फोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।